शहंशाह अकबर के सेनापति फिरोज शाह के नाम पर पड़ा था फिरोजाबाद जिले का नाम। अब बना है उनका मकबरा, आते हैं लोग इबादत करने। फिरोजाबाद शहर के बीचों बीच शहंशाह अकबर के सेनापति फिरोज शाह का मकबरा नगर निगम के सामने बना हुआ है, जहां उनका साल में एक बार उर्स भी होता है और वहां कई मुस्लिम समाज के लोग इबादत करने के लिए आते हैं। उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। इस समय मकबरे पर रहने वाले इंतज़ामिया कमेटी के सदस्य मोहम्मद साहब फैसल ने बताया कि सन 1566 में यहां राजा टुंडामल तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहे थे, तभी डकैतों ने उन पर हमला कर दिया और उनके साथ लूटपाट करके फरार हो गए। जब राजा टुंडामल ने इसकी शिकायत आगरा जाकर राजा अकबर से की, तो राजा अकबर ने अपने सेनापति फिरोज शाह को डाकुओं को पकड़ने के लिए भेजा। फिरोज शाह ने डाकुओं को पकड़कर आगरा जाकर अकबर के सामने उन्हें सुपुर्द कर दिया और तब से ही उन्होंने सेनापति के पद से इस्तीफा देकर वह फकीर बन गए और यहाँ आकर रहने लगे। उन्होंने यहाँ एक मस्जिद भी बनाई और नगर निगम के सामने उनके इंतकाल के बाद उनका मकबरा बना दिया गया, जहाँ आज लोग इबादत करने के लिए फिरोजाबाद ज़िले के साथ साथ अन्य ज़िलों से भी आते हैं और साल में एक बार यहाँ उर्स भी लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाह है। साहब जी, यहाँ आप रहते हैं कि फिरोजाबाद जी का जो मकबरा है फिरोजाबाद जी से नाम पड़ा, क्या पूरा इतिहास रहा है और क्या क्या यहाँ विशेषताएँ रहती हैं? यहाँ पर 1566 में फिरोजाबाद की स्थापना हुई, जो कि 1566 में फिरोजाबाद का नाम पड़ा और ये राजा अकबर के सुपे सालार रहे हैं। जब यहाँ पर मतलब सेनापति सेनापति जब यहाँ से जब राजा टोडरमल का गुजर हुआ तीरथ के लिए यहाँ से जा रहे थे, तो कुछ गुंडों ने यहाँ पर आपको लूट लिया था, तो उसकी शिकायत लौटते में बादशाह से की थी, तब बादशाह अकबर ने उनको यहाँ पर भेजा था फिरोज शाह को, और उनको दंडित करके उनको बादशाह अकबर के सुपुर्द किया और फिर इन्होंने ही उसी टाइम से सुपे सालारी छोड़ करके एक फ़कीरी लाइन में आकर के अपनी फ़कीरी को तैयार किया, जहाँ पर शाही मस्जिद आज भी कटरा में स्थित इन्हीं के हाथों की बनी हुई मस्जिद है। उसी के ठीक सामने फिरोज शाह का मकान रहा है और आपका यहाँ पर दफीना हुआ है। जब दुनिया से चले गए तो आपका यहाँ पर दफीना किया गया था। अच्छा, क्या मान्यता है यहाँ, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ तो मुरादाबाद है, बिजनौर है, कानपुर है और आपके बरेली है, और भी शहरों से यहाँ पर आते हैं, जिन जिन की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं वहाँ से सब लोग आते हैं। एक सेनापति थे, उसके अलावा कुछ और इनके अंदर चमत्कार था, क्या था ऐसे? जब चमत्कार था जब ही तो आए लोग यहाँ पर आते हैं, उन लोगों की मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। तो एक अल्लाह वाले हुए, जब अपने सेनापति को छोड़ करके उसको त्याग पत्र दे करके आपने अल्लाह वाले ईश्वर की लोग उसमें लगा करके आपने एक फकीरी में आ गए, लोगों के कामों में दुआएं मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आपने एक बोलिया, तब आपको यहाँ पर दफीना कराया गया। तब से फिरोजाबाद नाम पड़ा, जब से आपका नाम फिरोजाबाद पड़ा गया शहर का नाम, और उसी टाइम से ही शहर का नाम फिरोजाबाद। अच्छा, उनके नाम से शहर का, यानी फिरोज शाह उनका नाम था, उनके नाम से उन्हीं के नाम से फिरोजाबाद स्थित है।